हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं मोनिका कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे तो हम आज आए हैं भीमा काली मंदिर जो सराहन में है तो हम यहां अचानक से आए हैं हमारा कोई पहले से प्लान नहीं था हम क्यों आए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये मंदिर है और ये मंदिर के बाहर का व्यू है तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है तो अब हम अंदर जाएंगे मैं आपको बाद में बताऊँगी हम क्यों आए थे तो चलिए पहले आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तो ये थी मेरी चाची सास तो ये मेरी बेटी है सासू माँ है बेटा है और ये ऑरेंज कुर्ती में जो है ये मेरी ननद है और ये जो है मेरे ससुर जी हैं तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं तो बाहर से जब हम अंदर आते हैं तो ये ऐसा बड़ा सा गेट है काफ़ी गेट यहाँ पर है तो अंदर आने के बाद ये खूबसूरत सी जगह है बीच में बहुत खुला है और इधर उधर ये जो मकान से बने हैं ये मंदिर का ही है सारा मंदिर ही है ये तो ये शायद रेस्ट हाउस वगैरह है जो दूर दूर से आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं और दशहरा जो है यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तो तब भी शायद यहाँ लोग ठहरते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है तो ये आता है फिर दूसरा गेट चलिए चलते हैं अंदर तो बहुत ही प्यारा ये बना है तो ये जो गेट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस पर शायद चांदी का वर्क हुआ है आ, मैं अपने ससुर जी से पूछ रही थी तो वो ऐसा बता रहे थे कि हाँ चांदी का ही है तो चलिए चलते हैं जब पहले गेट से अंदर आते हैं उसके बाद फिर से ये खुली सी जगह आती है और यहाँ पे भी बहुत सुंदर जो है फूल वगैरह लगाए हैं तो इससे चलते हैं ऊपर तो उसके बाद ये आता है तीसरा गेट ये भी इस पर भी चांदी का वर्क है मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ तो बहुत ही सुंदर इस पर जो बारीक काम हुआ है और इस पर प्रतिमाएँ बनी है गणेश भगवान जी भगवान इस तरह से बहुत सारे हैं बहुत ही सुंदर है जो देखने में तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेन मंदिर में तो ये लास्ट गेट है और इसके बाद ये ऊपर जो दो मंदिर है तो जो ये लेफ़्ट हैंड साइड में है ये वाला इसी में अंदर जो है वो माता है और इसी के इसी में दर्शन होते हैं जो दूसरा है वो नहीं खुलता है वो जब राजा वीरभद्र जी आते हैं तभी खुलता है वो ही इसे खोलते हैं तो हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं क्योंकि फ़ोन वगैरह जो है वो यहीं जमा हो जाते हैं अंदर नहीं ले जाने देते तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ पुराने बर्तन है अब इसके पीछे की हिस्ट्री किसी को नहीं मालूम थी मैं पूछ रही थी तो चलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिए और यहाँ एक छोटा सा रूम है उस पर कुछ ऐसे बर्तन रखे हैं पुराने और ये छोटा सा मंदिर है तो ऐसे बर्तन रखे हैं कुछ पुराने बर्तन है मूर्तियाँ हैं और जिसे जोत जलाई जाती है पुराने वो है और काफ़ी कुछ है पुराना यहाँ पर घंटियाँ वगैरह चिमटा है काफ़ी चीज़ें हैं तो यहाँ भी कोई बताने वाला था नहीं तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं शंख भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप देख रहे हैं और ये पीतल और कांसे की ही सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर लगी थी ये शीशे के अंदर बंद करके रखी थी तो चलिए अब चलते हैं हम बाहर तो ये भी यहाँ रास्ता है मंदिर से जाता है अंदर पहले गुफा से ये बनाई गई थी आ, तो इसके बारे में भी मैं पूछ रही थी किसी को ज़्यादा मालूम नहीं था तो बहुत ही सुंदर ये जो मंदिर है और अभी भी इसका काम चला है तो काम आप देख सकते हैं हो रहा है कुछ और भी रेनोवेशन इसमें हो रहा है आ, और काफ़ी बड़ा इसको अब बना दिया गया है तो पहले ये इतना नहीं था अब साइड में रेस्ट हाउस वगैरह और बन रहे हैं तो यहाँ हो रही है आ, फोटो वगैरह हम लोग ले रहे हैं तो मुझे कह रहे हैं फोटो ले लो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था तो चलिए अब चलते हैं बाहर तो हम नीचे आ रहे हैं अब मंदिर से ये दूसरा गेट है तो पापा वगैरह जो है फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से अंदर दर्शन हो गए थे और अब हम लोग जाएंगे बाहर और इसके बाद हमें कहीं और भी जाना है तो चलिए वो भी बताऊंगी तो पहले बाहर चलते हैं बेटी ने जो है प्रसाद वाली टोकरी पकड़ रखी है ये पंडित जी से लिया है तो ये छोड़ नहीं रही है कह रही है मैं उठाऊँगी तो ये आ गए हैं हम वो जो लास्ट गेट है उससे बाहर तो यहाँ पे बहुत अच्छा है जो दशहरा है बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी है ये जगह सराहन तो आप लोग ज़रूर कभी आइएगा तो ये एक और मंदिर है इसकी कॉस्ट भी लगी थी फोर्टी फाइव हंड्रेड बहुत सुंदर है टूरिस्ट वगैरह इसको लेके जाते हैं तो ये प्रसाद वगैरह यहाँ है जो ऐसे टोकरियों में रखा होता है तो आप ये टोकरी लेके अंदर जा सकते हैं उसके बाद बाहर आके इसे वापस कर देते हैं तो कुछ ऐसा व्यू है बहुत सुंदर सा है मंदिर के एक तरफ का मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये पार्क था इसमें अंदर जाने को मना कर दिया था मतलब यहाँ पे लॉक लगा था कोई खोलने वाला था नहीं तो हम नहीं जा पाए तो अब हम आ गए हैं बाहर तो दर्शन हमारे जो है बहुत अच्छे से हो गए हैं तो ये है वो वजह वो कारण जिस वजह से हम लोग यहाँ आए थे तो पापा जी ने है जो नई गाड़ी निकाली है तो बस उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे क्योंकि हर गाड़ी को जो भी हमने ली थी पहले हम यहीं आते हैं तो इसीलिए हम यहाँ आए थे जो प्लान था वो एकदम से बना पहले नहीं था तो सुबह लेट ही हो गए थे ग्यारह बजे के बाद ही प्रोग्राम बना क्योंकि संडे था बच्चों की भी छुट्टी थी और संडे को दर्शन भी ठीक रहते हैं इसीलिए हम यहाँ आ गए थे तो बेटा जो है स्वास्तिक बना रहा है पंडित जी ने अंदर से रोली वगैरह दी है नारियल वगैरह दिया है तो बस यही सब काम चला है और इसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके ये राजा वीरभद्र जी जो है वो यहाँ ठहरते हैं जब दशहरे के दौरान वो यहाँ आते हैं तो ये उनका घर ही है एक उससे इसको बेड़ा कहते हैं राजे का बेड़ा तो हम लोग वापस जा रहे हैं सराहन का ये छोटा सा बाजार है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा तो जिन्होंने नहीं देखा है ये उनके लिए है तो आज वैसे बाजार बंद ही था ज़्यादा खुला नहीं था क्योंकि संडे को ज़्यादा बंद ही रहती है यहाँ मार्केट वगैरह जो भी होती है तो ये है वो मंदिर बहुत सुंदर है बहुत ही जगह फोटोज़ में ये हिमाचल की उसमें मिलेगा तो ये है चाची सास ये है ननद तो हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं सासू माँ और बेटी तो ससुर जी और जो मेरा बेटा है वो गए हैं मिठाई लेने क्योंकि हमें वापसी में किसी के घर जाना था तो उसी के घर ही मेरी बेटी बैठी है उन्हीं के घर पे तो यहाँ से मैं आपको विंडो से व्यू दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारा है और आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो कोई रिलेटिव थे उनके घर हम रहे थे तो वहाँ रहे नहीं मतलब लंच के लिए हम ठहरे थे और उसके बाद दो तीन जगह हम और लोगों से मिले थे हमारे रिश्तेदार वहाँ पे थे मेरी मासी भी है वहाँ पर मेरी सास की कज़न है उनकी मैरिज वहाँ हुई वहाँ भी हम उनसे मिले थे तो एक मेरी ननद लगती है उनसे भी मिले तो सबसे मिलते मिलाते हम लोगों को साढ़े आठ वहीं पर हो गए थे तो साढ़े आठ बजे के बाद हम लोग निकले तो बहुत ही लेट जो है हम घर पहुंचे तो बहुत ही अच्छा व्यू था रात को ये झाकड़ी साइड का है प्रोजेक्ट का एरिया है बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से जो है हमारी ट्रिप बहुत अच्छी थी गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सब तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं घर टाइम हो रहा है साढ़े नौ नौ पैंतीस हो गए हैं नौ पैंतीस पे हम लोग पहुँच रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रिप रही बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छे से माता के दर्शन हो गए बहुत ही फेमस जो है ये मंदिर है और जितनी मान्यताएँ हैं है यहाँ जो करते हैं वो पूरी होती है आ, हमारी तो होती है तो बाकी श्रद्धा पे बात है तो सुबह जब हम गए जल्दी जल्दी में गए जो ये प्रोग्राम था ये पहले से प्लान नहीं था एकदम से प्लान बना है तो इसलिए मैं सुबह शूट नहीं कर पाई तो हम लोग हम लोगों ने सोचा चलिए पहले निकल लेते हैं उसके बाद देखेंगे तो मैंने सोचा इस वीडियो का एंड कर देती हूँ तो जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए इस वीडियो का कर देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट